भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी फिर से किसानों के खिलाफ 3 बिल लाने वाली है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार की नीति आखिर तय कौन कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत को लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर, क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। इससे पहले बीजेपी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। उनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। बाद में सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ये उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अगले महीने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी से एक कदम आगे रहना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से किसानों पर खुद पीएम मोदी की ओर से संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा।